बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं गैस पेपर डिस्कस कर रहा हूँ। सेकेंड ईयर फिजिक्स का गैस पेपर है, प्रोफेसर तहा बासा गैस पेपर है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट किस्म का गैस पेपर है, आप इसको देख लीजिए और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं इसको शेयर कर दें, डिस्क्रिप्शन है मेरा ख्याल ये लिखा हुआ है, यहाँ से आप आराम से इसको देख सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन कौन से हैं, लॉन्ग का मतलब ये जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग लिखा हुआ है ये सेक्शन सी के हैं। तो सेक्शन सी के अंदर हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है ड्राइव दी प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। ये कौन सा क्वेश्चन है जो हीट चैप्टर में है ना, P=1/3ρV² लिखा हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी प्रेशर की क्वेश्चन ये वो है बेसिकली। इसकी एक वीडियो हमारे पास बनी हुई है हमारे चैनल के ऊपर, आप उसको देख सकते हैं। दूसरा हमारे पास है CP-CV=R। तो ये जो CP-CV=R है ये हमारे पास सीधा सीधा क्वेश्चन है, चैप्टर हीट का है, लॉन्ग में डेरिवेशन है। तो ये डेरिवेशन में देख लीजिएगा, दो डेरिवेशन सर ने दिए हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन भी उन्होंने लॉन्ग में से ही बताया हुआ है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विद एप्लीकेशन। आमतौर पर एप्लीकेशन अगर आप देखेंगे तो चार एप्लीकेशन है हमारे पास, लेकिन कोई भी दो एप्लीकेशन वो एग्जाम में पूछ रहा होता है। तो बाज़ूकात नाम लिख देता है और बाज़ूकात वो आप पर छोड़ देता है, कोई भी दो बताएं। तो चारों को चारों याद करें ताकि अगर वो नाम लिख दे तो आप समझ सकें उसको। फिर है गॉसियस लॉ विद सेकंड एप्लीकेशन। ये सेकंड एप्लीकेशन का नाम बता देता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग जो नोट्स इस्तेमाल करते हैं उसमें टीचर क्या करते हैं, ये जो नंबर 1, 2 इसको आगे पीछे कर देते हैं। जो सेकंड एप्लीकेशन है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करना ड्यू टू इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज। ई मालूम करना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज, दिस इज द सेकंड एप्लीकेशन जो कि डेरिवेशन है, ये हमारे पास चैप्टर नंबर 12 से दी हुई है। जे जे थॉम्सन एक्सपेरिमेंट फ्रॉम चैप्टर नंबर 14 फॉर ई बाय एम रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास है, सीधा से क्वेश्चन है, लंबी सी डेरिवेशन है, ये आपने करना है। फिर एम्पियर लॉ, ये भी चैप्टर नंबर 14 में से है विद एप्लीकेशन। देयर आर टू एप्लीकेशन ऑफ द एम्पियर लॉ, वन इज कॉल्ड द सोलेनोइड एंड सेकंड वन इज कॉल्ड द टोराइड। अब मैंने कई दफ़ा ये बात अपनी वीडियोज़ में डिस्कस की है कि जो हमारे पास सोलेनोइड है अगर वो एग्ज़ाम में 10 साल वो अगर सोलेनोइड पूछता है तो किसी एक साल वो टोराइड भी पूछ लेता हमसे। क्यों? क्योंकि हमें एक रट्टा लग जाता है ना, बार बार सोलेनोइड सोलेनोइड एम्पेयर की एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो वो कहता है कि मैं टोराइड भी दे दूँ। सो फॉर मी द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ द एम्पेयर लॉ इज सोलेनोइड, बट सर ने यहाँ पे एप्लीकेशन लिखी है तो सोलेनोइड टोराइड दोनों कर सकते हैं आप। फेराडे लॉ एंड लेंज लॉ फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विद सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन, बेखड़ा सीधा सीधा से क्वेश्चन है। फेराडेस के लॉज बताने, दो लॉज हैं, फिर उसके साथ फेराडे के लॉ में एक नेगेटिव साइन आ रहा होता है वो लेंज लॉ की वजह से, उसको आपने एक्सप्लेन करना है। और सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन दो हमारे पास टॉपिक हैं उसके बाद के, इसी से रिलेटेड हैं, तो इसको आपने करना है। AC जनरेटर एक लॉन्ग क्वेश्चन है, थ्योरी ज़्यादा है, डेरिवेशन भी इसके अंदर चैप्टर नंबर 14 से ही रिलेटेड है। व्हीटस्टोन ब्रिज, दिस टॉपिक इज फ्रॉम द चैप्टर नंबर 15। देयर आर ओनली टू टॉपिक रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 15, गैल्वेनोमीटर विद एम मीटर और वोल्ट मीटर एंड द व्हीटस्टोन ब्रिज। सो फॉर दिस ईयर जो हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर 17, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बहुत लंबा थियोरेटिकल क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन की डायमेंशन है, प्लीज़ फॉलो यूर 10 ईयर, या मैंने वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने हर क्वेश्चन के बारे में बताया है कि वो क्वेश्चन एग्जाम में आता कैसे, उस वीडियो से आप हेल्प ले सकते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो है लेकिन ये टॉपिक एग्जाम में कितने मुख्तलिफ तरीकों से पूछ सकता है। सॉरी। देन कॉम्पटेंस इफेक्ट, अगेन चैप्टर नंबर 17, कॉम्पटेंस इफेक्ट डेरिवेशन है, ये भी आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। फ्रॉम चैप्टर नंबर 19 यानी 18 में से कोई लॉन्ग क्वेश्चन सर ने लिखा हुआ, ओके ये बात है, यानी 18 में जो है लॉन्ग क्वेश्चन में क्या आ सकता है, बोहर की डेरिवेशन। सो बोहर की डेरिवेशन सर ने स्किप किया, इसका मतलब है देयर इज नो सेक्शन सी रिलेटेड क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर 18। सो न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन ये इंपॉर्टेंट में है, बट दे आर रिलेटेड टू द नोट आता है फिजन एंड फ्यूजन के ऊपर, तो चैप्टर नंबर 19 में से सर ने ये लिखा हुआ है। एंड नो लॉन्ग क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर 20 एज वेल, प्लीज नोट इट। अच्छा जी, शॉर्ट डीएम है, सेक्शन बी से रिलेटेड है, PV=1/T, जिसे हम कहते हैं जनरल गैस इक्वेशन, ये डेरिवेशन आप कर सकते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ द गैस लॉ ऑन द बेसिस ऑफ KMT, गैस लॉ इज द बॉयल्स एंड चॉस लॉ। देयर आर टू लॉज इंक्लूडेड इन आवर कोर्स, बट बॉयल्स एंड चॉस लॉ दो दफ़ा हमारे कोर्स में है, एक दफ़ा तो उसने एक्सप्लेनेशन दी हुई है जो कि आप शायद केमिस्ट्री में भी फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, एंड दूसरी दफ़ा उसने जो बॉयल्स एंड चार्ज हैं दे आर अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पूछा हुआ है। सो दिस इज अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, डेरिवेशन हुई है, वीडियो बनाई हुई है, हमने देख सकते हैं। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, ये कौन सी है, ½mv², दिस इज कॉल्ड एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 3/2 kT, ये वाली डेरिवेशन पूछ रहे हैं आपसे। रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक हीट एंड मोलर स्पेसिफिक हीट, तो स्पेसिफिक हीट और मोलर स्पेसिफिक हीट के दरमियान जो रिलेशनशिप है इसकी भी वीडियो मैंने बनाई है, उसको देख लीजिएगा। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, केल्विन क्लॉसेस स्टेटमेंट्स हैं,
और ये सर ने दिए कि स्टेटमेंट पूछ सकता है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ई एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वी, ई और वी के दरमियान रिलेशन, सॉरी दो तरीके से हमारे पास पूछा हुआ है। एक दफ़ा तो वो है कि जब अगेंस्ट द फील्ड एक्सटर्नल एजेंट लाइक मी उसको मूव करवा रहे हैं, और दूसरी दफ़ा उसने पूछा हुआ है कि ई और वी के दरमियान रिलेशन व्हेन फील्ड डज वर्क, जिसमें नेगेटिव साइन आ जाता है। सो मेरा ख्याल है आपको दोनों देख लेने चाहिए क्योंकि यहाँ स्पेसिफिक नहीं किया हुआ सर ने। फैक्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स, अच्छा फैक्टर फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ये कहना चाह रहे हैं, तो वो फैक्टर जो कि रेजिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं, मतलब लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी भी सर ने लिखा हुआ। इस टॉपिक के बारे में सर आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF के बारे में नोट के तौर पर आ सकता है, मोशनल EMF छोटी सी डेरिवेशन है चैप्टर नंबर 14, और ये जो EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दैट इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 13 एंड का टॉपिक। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर एंड एम मीटर फ्रॉम चैप्टर नंबर 15 ने सर ने शॉर्ट में दिया हुआ है। ओके, डायोड एज अ रेक्टिफायर फ्रॉम चैप्टर नंबर 16, तो ये बड़ा लगा बंदा क्वेश्चन है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लॉज है, मेरे ख्याल स्किप कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेज़र चैप्टर नंबर 18 में से सर ने दिया हुआ है, और चैप्टर नंबर 18 में से सर ने ऊपर जो हमने सेक्शन सी देखा तो उसमें कोई क्वेश्चन लिखा था। GM काउंटर चैप्टर नंबर सेक्शन बी में चैप्टर नंबर 20 का जो क्वेश्चन है वो GM काउंटर सर ने इंक्लूड किया है, विल्सन क्लाउड एंड गैगर म्यूलर काउंटर है, तो ये चैप्टर नंबर 20 का है। इस वीडियो मैंने बना के रखी है, आप देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, मेरे ख्याल नज़र आ रहे होंगे चैप्टर 11 के, उन्होंने लिखा है पास पेपर के करने हैं सारे न्यूमेरिकल, और चैप्टर 12 के उन्होंने 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 19, 22 सब की वीडियो बनी हुई है, रखी हुई है, वीडियो देखें, मसला हल कराएं अपना। सॉल्व एग्जांपल ये भी मैंने करके वहाँ पर अपलोड की हुई है। चैप्टर नंबर 13 में न्यूमेरिकल नंबर 2, 3, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 21 एंड सॉल्व एग्जांपल एवरीथिंग इज डन ऑन माई यूट्यूब चैनल, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू। चैप्टर नंबर 14 में से 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। नाउ चैप्टर नंबर 14 में मैं अपनी एक इनपुट देना चाहूँगा, ये जो शुरू के क्वेश्चन लिखे हुए हैं चैप्टर जो न्यूमेरिकल नंबर 10 तक लिखे हुए हैं और फिर जो 11 से 15 तक लिखे हैं, इनको दो ग्रुप्स में कर लें, क्योंकि हमारा जो चैप्टर नंबर 14 है वो भी दो ग्रुप्स हैं। पहले ग्रुप का नाम है मैग्नेटिज्म, तो ये जो 1 से लेकर 10 तक न्यूमेरिकल हैं ये मैग्नेटिज्म के हैं, और जो 11 से 15 है ये चैप्टर नंबर 14 का दूसरा हिस्सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के। नाउ बी केयरफुल, मैंने जो पेपर को क्रैक किया मेरी जो समझ में आया वो ये समझ में आया कि एक साल वो मैग्नेटिज्म से न्यूमेरिकल देता है, एक साल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से देता है, तो आपको देख लेना चाहिए, अगर पिछले साल मैग्नेटिज्म से आया तो इस साल 11 से 15 की तैयारी करें, और अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी 11 से 15 पिछले साल आ चुका है तो इस साल आप 1 से 10 तक की तैयारी करें, दिस इज़ माय इनपुट। चैप्टर नंबर 15 में 3, 4, 7 है फॉर मी, मैं आपको रिकमेंडेशन दूंगा कि अगर आप 100% चैप्टर नंबर 15 की न्यूमेरिकल की तैयारी करना चाहते हैं तो न्यूमेरिकल नंबर 2, 15.2, 15.5, 15.7 दैट्स इट, सब हो जाएंगे। चैप्टर नंबर 17 में सर ने न्यूमेरिकल लिखे हुए हैं 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, यही कर लीजिएगा। 18 में लिखे हैं 3, 4, 5, 18 में तो वैसे जो हमारे पास बोहर की हमने डेरिवेशन की है जिसकी लगा बंदा एक न्यूमेरिकल हमारे पास होता है शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेव लेंथ का, वो आमतौर पर आ रहा होता है, सो मेरा ख्याल है इस साल भी वही है। 19 में हमारे पास जो न्यूमेरिकल हैं वो लगे बंदे 19.4 है, यस 19.4 न्यूमेरिकल, 19.2 भी कर लीजिएगा, 19.4 भी कर लीजिएगा, फिर 5 छोड़ के 6, 7, ठीक है, 19.2, 19.4, 19.6, 19.7, दैट्स इट, यही न्यूमेरिकल हैं जितने साल पिछले देखने सब में रिपीट हुए हैं। सो दिस इज़ द गेस्ट पेपर ऑफ सेकेंड ईयर फिजिक्स, मैंने बहुत सारे लोगों शेयर किया था लेकिन फिर भी अभी भी लोग मुझसे कमेंट कर रहे हैं, तो मैं वीडियो बना के दे दूँ। थैंक यू सो मच, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के अंदर मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।